असल मैं एवरीवन कैसे आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो जी इस वीडियो में आज आपको लोटेड फ्राइज के लिए जो स्पेशल सॉस होती है ना उसकी रेसिपी मिलेगी परफेक्ट रेसिपी तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट में आ, वैसे तो यहाँ घर का ही मस्ता है कि क्या खाया जाए तो खासतौर पर मुझे तो ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं समझ आती तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए नान फ्राई कर रही थी और साथ में उन्होंने कहा कि मुझे शामी कबाब फ्राई कर दो तो दो शामी कबाब मैंने उनके लिए फ्राई किए थे और एक मैंने अपने लिए किया कि चलो मैं ही जो है ना शामी कबाब खा लूँगी चाय के साथ तो बस यहाँ पर अब मैंने उनके कबाब भी फ्राई कर लिए हैं और नान भी फ्राई हो गया और अब मैं उनको नाश्ता देने लगी हूँ और अपने लिए मैंने शामी कबाब के साथ जो है ना एप्पल भी काट लिया है तो बस आज मेरा यही है ब्रेकफास्ट तो देखें ठहर के जब भूख लगेगी तो फिर देखेंगे कि क्या खाना है तो वैसे तो काफ़ी मज़ा आया है ये कॉम्बो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम ही मैंने शामी के बाद जो है ना नाश्ते में खाया होगा तो यहाँ पे जो मेरी मेट्स भी आ गई थी तो यहाँ पे मेरी मेट जो है कपड़े प्रेस कर रही हैं और आ, मैंने सोचा कि जी जो हमारा सिटिंग है लाउंज है उसको नीट क्लीन कर दिया जाए क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है रूम से निकला जा सकता है तो यहाँ पे जो हमारे हैं सोफ़ाज उनके मैं डस्टिंग कर रही हूँ और सारे कर्टन वगैरह की भी डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि जी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है कि यहाँ पे तो निकल के बैठने का सोचा भी नहीं जा सकता था इवन रूम में भी रजाइयों में बैठने के बावजूद जो है ना बहुत शदीद ठंड थी तो अल्लाह का शुक्र है कि धूपें निकल रही हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया तो यहाँ पे जी मैंने कुशन वगैरह सेट करके रखे हैं लेकिन जो मेरे दो बिल्ले हैं ना उन्होंने आके फिर से ख़राब कर दिए तो बस वो मैं सेट कर रही हूँ और ये देखें जी उन दोनों की चिट चैट आपस में चल रही है बाद माशाल्लाह से स्टार्ट नहीं रहा है और जोरों देखेगा कि कैसे उसे जो है ना आके तंग करता है तो बस जी यही माशाल्लाह से रोन के हैं बच्चों की यही तो शरारतें होती हैं जिनकी वैसे घर में रौनक रहती है तो बस जी अब यहाँ पे हमारा लाउंज बिल्कुल नीट है देखें किस दिन मेरा हौसला पड़ता है तो मैं टीवी बाहर ला लगाती हूँ उसके बाद जी मैं गई थी मार्केट तो बाहर बहुत अच्छी धूप थी तो मैंने सोचा कि जी पार्क में चले जाया जाए तो यहाँ पर मैंने जूस दिया है और जूस पी रही हूँ और साथ में धूप में बैठी हुई हूँ और काफ़ी मज़ा आया है काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो धूप में बैठे हुए थे तो बस जी मेरे इबाद ने अपने कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है उसने कहा कि जो मैंने अपने पाकिस्तान को साफ सुथरा करना है और माशाल्लाह से देखी जी वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से पूरा कर रहा है एक सच्चा पाकिस्तानी को ना इबाप से सबक हासिल करना चाहिए तो बस यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ तो हल्की हल्की भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि जी आज हमारा कहीं पे फ्राइज का नागा ना हो जाए तो क्यों ना फ्राइज बनाए जाएं तो बस आज मैं बना रही हूँ जी लोडेड फ्राइज तो उसके लिए मैंने फ्रोज़न फ्राइज जो है ओपा के वो यूज़ किए हैं तो अब मैं इनको फ्राई होने के लिए रख रही हूँ इतनी देर में जो लोडेड फ्राइज के लिए स्पेशल सॉस जो होती है ना जो फ्लेवर देती है लोडेड फ्राइज़ में वो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है उसमें मैंने इतनी मायोनीज दी है जितनी आपको क्वान्टिटी चाहिए मैं ये वाली जो सॉस है ना हमेशा बना के अपने पास रख लेती हूँ तो इससे मैंने ज़्यादा मायोनीज दी है आप चाहें तो आप कम भी दे सकते हैं मायोनीज जस्ट पहले टेस्ट करने के लिए बट ये रेसिपी जो है परफेक्ट है तो यहाँ पे मैंने मायोनीज़ में ऐड की है चिली गार्लिक सॉस जो कि मेरे पास पहले से ही मौजूद है आ, कनोर की बट आप इस नेशनल की भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ सिराचा सॉस जो कि मेरे पास है शंगरीला की और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और बहुत ही मज़े की होती है और इसमें अब मैं ऐड करूँगी मेरे पास है हॉट सॉस जो कि वो भी मेरे पास शिंगरीला की पेरी पेरी हॉट सॉस है ये देखिए जी पेरी पेरी हॉट सॉस है मेरे पास जो कि मैंने इसमें ऐड किया है इससे जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ही मज़े के इसमें फ्लेवर होते हैं और यहाँ पे वीडियो में मैं इसमें नमक ऐड करना भूल गई हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड होता है और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें इतना अच्छा मिक्स करने कि ये सारी यकजान हो जाए बस इतनी सी ये रेसिपी है और जब आप जाते हैं बाहर जैसे आ, पेरी पेरी बाइट्स के साथ जो सॉस होती है वो भी यही सॉस होती है और लोटेड प्राइस पर भी जो सॉस होती है वो भी यही सॉस होती है और इतनी ईजी ये रेसिपी है कि आप इजीली घर बना सकते हैं तो बस यहाँ पे हमारे फ्राइज़ जो हैं फ्राई हो गए हैं और अब मैं इसको उस बॉल में डाल रही हूँ जो कि हमारा इजीली बेक हो सके तो सारे फ्राइज़ मैं आप निकाल के इसमें डाल दूँगी और इन फ्राइज़ को हमने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना बस मीडियम आपने इन्हें फ्राई करना है और यहाँ पे चिकन को भी जी मैंने आ, कुक कर लिया था इसको मैंने फ़ौरी तौर पे ही कुक किया है तो इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला है नमक मिर्च डाली है और हल्का सा सोया सॉस सिरका और चिली सॉस ऐड किया और ये इतना मज़े का चिकन बनाए और सारा जो चिकन मैंने बनाया था उसको मैंने स्प्रेड कर लिया है उसके ऊपर जो शिमला मिर्च है मेरे पास उसको भी मैं स्प्रेड कर ली इसके बाद जी जो हमने सॉस बनाई है हमारी जो स्पेशल सॉस है वो मैं इस पर डाल दूँगी और क्योंकि मुझे ये लाइनिंग में तो नहीं चाहिए मुझे सेपरेट चाहिए थी इसे मैंने इसे इस तरीके से डाला है और इसका जो है ना टोटली हमारे प्राइस पर फ्लेवर आ जाए इतनी से मैंने डाल दिया और यहाँ पे जी ये है मेरे पास चीज़ क्रीम चीज़ है जो कि मैंने इसके ऊपर स्प्रेड की है और फिर इसके बाद मैं इसको बेक होने के लिए छोड़ लूँगी तो यहाँ पे जी मैंने यूज़ की है रेडीमेड चीज़ क्रीम चीज़ इसके बाद मैं आपको होम मेड क्रीम चीज़ की भी रेसिपी ज़रूर दूंगी जब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम लोडेड फ्राइज बनाऊंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तो बस ये हमारी क्रीम चीज़ को मैंने सेपरेट कर लिया है और अब मैं इसको बेक होने के लिए छोड़ रही हूँ जो कि मैंने फ़ाइव मिनट्स बेक की है और हमारे फ्राइज रेडी हैं तो बस ये आज के मेरा यहीं तक का था उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़